हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और हाँ, मैं हूँ आपका अपना राघव। वेलकम टू माय चैनल किड्स फिटनेस एंड वर्ल्ड टीवी। तो दोस्तों, आज की ये स्पेशल वीडियो है फ्रेंडशिप डे पर, और आज मैं अपने सारे दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहता हूँ। और मैं स्पेशली फ्रेंडशिप डे कहना चाहूंगा अनंत्या को, क्योंकि अनंत्या और मैं जल्द से जल्द मिल सकते हैं, वो भी फ्रेंडशिप डे पर। क्योंकि दोस्तों, एनएसडी का ऑडिशन है फ्रेंडशिप डे के दिन हमारे नेक्स्ट लेवल के लिए। और अगर आपकी ब्लेसिंग्स नहीं तो मैं अनंत्या से जरूर मिल सकता हूँ। तो अब मैं अनंत्या से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में दो दोस्तों की कहानी हम और नवाब, वो भी फिल्म आतिश से लिए गए एक फेमस डायलॉग को मैंने रिक्रिएट किया है, और आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। चलो चलो चलो, वीडियो को एंजॉय करते हैं। चलो बारे क्यों नहीं, सौदा कोई बुरा नहीं था, साले को आज ही तो कुल 35-50 करने पड़ते। हम दोनों फिर से धरते बैठे। अब और नवाब का जवाब नहीं है किसके पास। मैं तुझसे क्या छुआ नवाब, कि मैं सनी के लिए काम नहीं करूंगा। तू इसमें बुरा क्या है बाबा, कल तक जो मक्कर के लिए करते थे आज सनी के लिए करते थे। वो हमारा उल्लू का पिट्ठा आज तेरा बॉस बन गया नवाब। उस के लिए कौन लौटना चाहता है बाबा। बाबा मैं हमारी बात कर रहा था, तेरे बारे में तो मुझे पता नहीं। मेरा फैसला मैं तुझे सुनाता हूँ, ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा। हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था, फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत से पहले चुकाई है नवाब। मेरी माँ पर सब छीन ली मुझसे, बस एक भाई रह गया है, मैं उसे भी खोना नहीं चाहता। पर मैं बाबा, मैं तेरा कुछ भी नहीं, तू तो मेरी जान है नवाब। पर तू तो जानता है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान को बांट कर सका। हाँ, कहाँ जा रहा है नवाब? अब तेरे रिश्ते में मेरा घर नहीं बनता बाबा। मैं समझता था नवाब कि कोई समझे या ना समझे, तू मुझे जरूर समझेगा। तेरे पास तो भाई था, माँ थी, दिशा थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर भी कभी मैंने अपने आप को अकेला नहीं समझा था, क्योंकि तू मेरे साथ था, तू ही मेरी दुनिया थी बाबा। तू समझता क्यों नहीं रहा, मेरी दुनिया मेरा भाई है। भाई भाई एक इत्तेफाक होता है बाबा, एक खून का रिश्ता होता है जिसे हम चुनते नहीं, हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन दोस्त हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से। हम तो नहीं तो एक दूसरे को चुना था ना बाबा, लेकिन आज तूने अपने भाई को चुन लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक दिन यही लगना दोस्त तेरे काम आएगा बाबा।